नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार हूँ। आप देख रहे हैं फोटोशॉप। तो फोटोशॉप के अध्याय में हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों। पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था कि अगर आपके पास पुराना फोटो है, उसका प्रिंट उड़ा हुआ है या किसी तरह से फटा हुआ है, तो उसको मैं कैसे ठीक करेंगे। तो पहले मेरे पिछले वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को देखिए। तो उस वीडियो को मैं आज कंप्लीट करूँगा कि आप एक पुराना फोटो से एक न्यू फोटो कैसे बना पाएंगे। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर और उसको सीखते हैं। मैं स्टार्ट पर क्लिक किया और मेरे पास फोटोशॉप 2017 पे मैं क्लिक किया। और मैं जाऊंगा ओपन पर और इस फोटो को मैंने पिछली वीडियो में यहाँ तक मैं आपको बताया था और इसके आगे के प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वो वीडियो देखिए, यानी कि ओल्ड फोटो से न्यू फोटो वाला वीडियो देखिए, पुराना फोटो से नया फोटो कैसे बनाएंगे वो वीडियो देखिए, तब इसको आगे देखिए। इतना करने के बाद मैं उसको छोड़ दिया था, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। अब आगे के हम लोग काम शुरू करते हैं। तो अब इसको देखिए, इसमें यहाँ क्या करेंगे, सिलेक्शन यहाँ से हम लोग टूल्स लेंगे, पॉलीगन टूल्स, और यहाँ से इसको क्या करेंगे, सिलेक्शन बना रहे हैं इस तरह से। सिलेक्शन बनाने के बाद यहाँ पर जाएंगे, एडिट में जाएंगे और कॉपी में जाएंगे और एक फाइल में जाके न्यू फाइल लेंगे। और लेने के बाद एक हम एक साइज लेंगे, साइज रखेंगे 8x10। और यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सीधे इमेज में आएंगे और इमेज में आएंगे, रोटेशन में आएंगे। यहाँ पर आएगी फ्लिप कर्व, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे और फिर इसको पकड़ेंगे और फिर अपने पेज पर घुमाकर इस पेज पर लाके छोड़ देना है। और इसका सिलेक्शन सब हम लोग हटा लेंगे। अब इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के लिए मैं इसको जूम में कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर आके इसको देखिए इस तरह से, और इसको जहाँ पर ये था वहाँ पर इसको लाके रख देंगे। अब यहां से इसको वापस करेंगे। थोड़ा सा फ्रेम नहीं मिल पा रहा है ये फ्रेम, तो उसको ठीक करेंगे। यहां पर से इसको थोड़ा सा ऊपर से कि यहाँ पर नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको घुमा देंगे रोटेशन पर को, थोड़ा सा यस। अब देख लेते हैं मिल गया कि नहीं, हल्का सा और दिक्कत है, हल्का सा थोड़ा सा। अब मिलने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इरेजर को लेंगे और इरेजर लेने के बाद बस सिंपली यहाँ पर मैं चला रहा हूँ। तब सिंपली ये देखिए पूरा यहाँ वहाँ आपको चला दीजिए, ये देखिए मिल चुका है। ये देखिए यहाँ से इरेजर लेंगे थोड़ा सा और इस देखिए, एकदम इजी तरीका से रोटेट करके इसको। अब यहाँ पर क्या क्या करेंगे, आपको क्रॉप कर लेंगे, एक अच्छा सा क्रॉप कर लिए। अब हमारे फोटो कंप्लीट।
अब इसमें ये दोनों लेयर को आप क्या करना है, मर्ज कर लेना है। एक लेयर मेरे पास बन गया। अब इसको कंट्रास्ट ब्राइटनेस आप जो भी करना चाहते हैं कर लीजिए, और ब्रश से लेकर, और अब इसको क्लीन कर लीजिए, यहाँ से ब्रश लीजिए, यहाँ से इसका साइज कम बेसी कर लीजिए। अब जो भी दिक्कत है इसको इसको साफ और क्लीन कर लीजिए। हमारे पास फोटो कंप्लीट। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।